नमस्कार, मैं हूं दर्शना और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर, लेकिन एक नज़र हेडलाइंस की ओर। किसानों ने कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। दलित के शव को शमशान घाट में जलाने से रोका। लोकायुक्त ने रिश्वत लेते रंगे हाथों आरोपी को किया गिरफ्तार। भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर अवैध तरीके से निर्माण करने का लगा आरोप। सांवेर में मां अहिल्या मंडल पालिया अनुसूचित जाति मोर्चा ने उपचुनाव को लेकर आज अनुसूचित जाति मोर्चा की नागपुर में भाजपा प्रत्याशी तुलसी सिलावट के समर्थन में मोर्चे की बैठक रखी थी, जिसमें जनपद पंचायत अध्यक्ष भगवान परमार, बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज परमार और मोर्चा के 200 कार्यकर्ताओं के साथ बैठक सम्पन्न की गई, जिसमें मुख्य अतिथियों ने आगामी चुनाव को लेकर चुनाव को कैसे जीता जाना है इस पर अपने विचार रख आगामी चुनाव की रणनीति तैयार की। साथ ही मोर्चे को एक महत्वपूर्ण दायित्व के साथ तुलसी सिलावट को भारी मतों से माहिल्या मंडल पालिया में विजय दिलाने की शपथ ली गई। अनुसूचित जाति मोर्चे की आयोजित बैठक में आज मुझे मुख्य अतिथि बतौर बुलाया गया था। सम्मानित कार्यकर्ताओं द्वारा हर्षोल्लास के साथ में स्वागत किया गया और प्रफुल्लित मन से इस आने वाले उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की विजय किस प्रकार हो, इस बात को लेकर हमने अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और आने वाले चुनाव में माननीय हमारे प्रत्याशी श्री तुलसीराम जी सिलावट की विजय हो, इस हेतु हमने उनको मार्गदर्शन दिया है। भैया, आप बलाई समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? वैसे मैं बलाई समाज का अध्यक्ष हूँ, किंतु मैं अनुसूचित जाति वर्ग की संपूर्ण जातियों की सेवा में 24 आवर्स लगा रहता हूँ और अंधविश्वास मिटाने के लिए, कुरीतियों का पटाक्षेप करने के लिए रूढ़िवादी पद्धतियाँ जो वर्षों से परंपरागत बनी हुई है, उन सबका नाश करने के लिए, समाप्त करने के लिए, शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार हो, व्यक्ति शिक्षित बने, संगठित बने हमारा समाज और संघर्ष के लिए एकजुट हो, ऐसा मेरा सदैव प्रयास रहता है और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे मैं सदैव कार्य करता हूँ और करता रहूँगा। वैसा ये मान के चले कि आप आज व्यक्तिगत रूप से तुलसी सिलावट जी के लिए आए हैं? व्यक्तिगत रूप से मैं माननीय तुलसीराम जी सिलावट के लिए आया हूँ और उनके प्रचार के लिए आया हूँ, उनके पक्ष में मतदान करने के कराने की अपील करने आया हूँ। नागपुर गांव में इस वक्त बैठक हुई है अनुसूचित जाति मोर्चे की। नागपुर गांव जो सांवेर विधानसभा के माँ अहिल्या मंडल पालिया में आता है, यहाँ पर लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ता मौजूद थे हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के, जिसमें रविदास समाज, बलाई समाज, हमारे वाल्मीकि समाज, साथ ही अन्य जो हमारे दलित वर्ग से संबंधित समस्त जातियाँ हैं, वे सब कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका नाम बता दीजिए। मैं मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बलाई महासंघ। सांवेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। ग्वालियर में एक महिला ने खुदकुशी करने की कोशिश की। महिला ने अपने सास, ससुर और जेठ पर आरोप लगाया है कि मुझसे दहेज की 20,000 रुपए की मांग करते हैं और कई बार मारने का प्रयास भी किया है, लेकिन इस मामले में ससुर का कहना है कि उसने अपने बेटे को 7 लाख रुपए देकर दुकान खुलवाई थी, लेकिन बेटा कई तरह के नशे का आदि है और उसने दुकान को बर्बाद कर दिया है। ससुर का यह भी कहना है कि उसने SDM से गुहार लगाई है कि मेरे बेटे और बहू से मुझे अपना घर वापस दिलाया जाए, क्योंकि वह मुझे परेशान करते हैं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मेरे सास ससुर और पुलिस स्टाफ मुझे मुरार का परेशान कर रहा है। 16 तारीख से मेरा पति उठवा दिया इन्होंने और पति की पूछने गई तो 20,000 की मांग करती है और फिर रात में 11-11 बजे पुलिस आके मेरे दरवाजे पे लात मारती है और सास ससुर और जेठ आती है साथ में, वो कहते हैं ताला खोल, रात में मैंने नहीं खोला तो आज सुबह नशे नहीं लगा के ऊपर चढ़ गए, मेरे पे 1 लीटर तेल डाला है इन्होंने, मेरा पूरा मकान की मैटी जला के रख दी, मेरी साड़ियों में आग लगा दी। किसने किया सब? ये सब मेरे ससुर और जेठ आए थे। तो आप पुलिस की बात अब गए तो पुलिस ने क्या जवाब दिया? पुलिस को मैंने SP साहब के यहाँ आवेदन दे रखा है, मुरार थाने पे तो मुझे भगा देते हैं, ललकार के मेरी कोई सुनवाई नहीं होती है। TI साहब बुला रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे सास ससुर वहाँ बैठे थे।
मेरी बहन के साथ भी इन्होंने बदतमीजी की है, दो दो बार गर्भ की बात करवा दिया उसका, अब रख नहीं रहा है 2 साल से। जो सोनू, कौन है सोनू? सोनू बोरा मेरा जेठ, एक मार दी 14 लाख रुपए देकर राजीनामा किया है इसने। एफआईआर मेरी बाय इन्हीं सोनू ने और ससुर ने नशे नहीं लगा के। मेरा नाम मातादीन शर्मा है, लड़का 35 साल का हो गया है, शादी ब्याह सब कुछ हो गया, कुछ दूर पे नहीं कमाता। मैंने इसको 5-7 लाख रुपए दे के दुकान भी खुलवाई, उसने बर्बाद कर दी। उसके बाद दारू भी गांजे सब कर्म करता है और बहुत बदतमीजी करती है। हमने अलग हो जाओ नहीं हुआ, मैं मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं रिटायरमेंट हूँ, धक्के खा रहा हूँ, रोड पर मंदिर में पढ़ाऊँ, और मेरी पत्नी परेशान है, मैं परेशान हूँ, मेरे मकान में कब्जा करके बैठा है। मैंने SDM पे गुहार लगाई तो SDM ने मेरे फेवर फैसला दिया कि मकान आपका, आप खाली कराइए, खाली करने का आदेश दे दिया। मैंने पुलिस विभाग को आवेदन दिया, मेरा मकान खाली कराया जाए। उसके ऊपर केरोसिन डाल के आग लगाई? नहीं, यह इसने सवेरे आग लगाई कि साले तूने कल पुलिस वाले भेजे, मैं तेरे भले लगा दूंगी। मेरी कार रखी है, मेरा सामान रखा है, मेरी गृहस्थी रखी है, मेरा सब खाने पीने का सामान रखा है इसमें घर में पूरी। नहीं सब, इन्हें कोई आरोप नहीं, जेठ अलग रहता है बेचारा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ये सिर्फ माल चाहिए इनको, रिटायरमेंट का पैसा मैं कहाँ से दे दूँ इन 12 लाख रुपए? इनकी शादी में मैंने अपनी गाड़ी कमाई में से शादी करी, उसके बर्बाद किया, इसने फूटी कौड़ी नहीं दी, दोनों साइड के खर्चे उठे। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्वालियर से एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां कर्मचारी अपने ही पैसों के लिए खटका रहा है आबकारी विभाग के गेट, लेकिन कर्मचारी के साथ की जा रही है बदसुलूकी। जी हां, हम बात कर रहे हैं पडाव स्थित आबकारी विभाग की, जहां पानी का वाटर कूलर खराब हो गया था, तो विभाग ने एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी को बुलवाकर ठीक करवाया, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वाटर कूलर खराब हो गया, जिसकी वजह से कर्मचारी को दोबारा फ़ोन किया और उस कर्मचारी को बुलाया गया। कर्मचारी ने वाटर कूलर को दोबारा सही किया, जिसके बाद कर्मचारी ने पैसे मांगे तो आबकारी विभाग ने कहा कि कुछ दिन बाद पैसे लेने आ जाना, जिसके बाद कर्मचारी लगभग 1 महीने से लगातार पैसों के लिए चक्कर काट रहा था, लेकिन उसके पैसे नहीं दिए गए। लेकिन जब वह आज पैसे लेने गया तो उसके साथ विभाग ने मारपीट की, उसके साथ गाली गलौज किए। साथ ही कर्मचारी ने बताया कि मैंने 8000 का सामान वाटर कूलर में लगाया है, जब मैंने पैसे मांगे तो पैसे देने से इनकार कर दिया और मेरे साथ मारपीट की। 1.5 महीने पहले मैंने यहाँ पे वाटर कूलर और RO में फिल्टर चेंज किए थे और वाटर कूलर में गैस डाली थी, जिसका एक बार इन्होंने पैसे दे दिए थे। उसके बाद 10 दिन बाद वाटर कूलर का प्रॉब्लम आ गई, फिर से पानी चला गया कंप्रेसर में। तो उसके बाद मुझे दोबारा बुलाया तो मैं दोबारा आया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि इसको आप दोबारा ही चेक करो, तो मैंने दोबारा चेक किया तो मैंने कहा सर इसको पूरा चेक करना पड़ेगा, एक एक से इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, जितने भी खराब हो फिर से चेंज करके दोबारा से किया जाएगा। उन्होंने कहा ठीक है आप कर देना। उसके बाद 1 महीना हो गया मैंने वाटर कूलर कम्प्लीट कर दे दिया, करीब करीब 8000 रुपये का सामान डाला उसमें। उन्होंने कहा हम पूरे पैसे नहीं दे पाएंगे, आप तो हमारे पुराने पैसे हो, जो पैसे वापस कर दो और हम नहीं बनवाएंगे। मैं अब मेरे पैसे लग चुके थे उसमें, 8000 रुपये का मेरा, आप आधे पैसे बोले नहीं। अरे मैं रोज सुबह शाम 1 महीने से 3 बार दिन में चक्कर लगा के आ रहा था। ग्वालियर से ओमपाल कौरव की रिपोर्ट। ग्राम पंचायत चंद्रेसा के ग्रामीणों ने उज्जैन जिलाधीश की प्रतिनिधि प्रीति चौहान को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अज्ञात रूप से नष्ट हो रही सोयाबीन फसलें को जिले में समस्त तहसील और पटवारी हल्का क्षेत्रों में सर्वे शुरू करवाने और किसानों को मुआवजा राशि देने के साथ बीमा प्रदान करने के आदेश जारी करने की मांग की है। साथ ही किसानों ने कई मांग करते हुए कहा कि जल्द से जल्द सोयाबीन की फसलों का सर्वे किया जाए। साथ ही किसानों ने चेतावनी देते हुए यह भी कहा कि 10 दिन के अंदर अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सभी किसान मिलकर प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन देने में सरपंच प्रतिनिधि राकेश परमार, गणेश पटेल सहित सैकड़ों किसान मौजूद थे। सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है, उसके लिए हम ज्ञापन देने आए कलेक्टर महोदय को। ग्राम पंचायत चंदेसराव कुमरा की तरफ से हम समस्त किसान गण आए, प्राकृतिक आपदा की जानकारी बीमारी जो है उसके कारण हमारी फसल जो नष्ट हुई पूरी तरह सोयाबीन फसल नष्ट हो चुकी है। इसी के चक्कर समाधान में हम आया है कि संगठन के कलेक्टर महोदय हमारी सुनवाई करें और जल्द से जल्द राहत राशि और बीमा क्लेम दिलवाएं। आपका नाम? मेरा नाम नरेश पटेल है। बस ज्ञापन जो दिया गया है किसानों द्वारा सोयाबीन फसल की नुकसानी के संबंध में या फिर जो
जो फफूंद या कीड़े लग रहे हैं उनका कहना है। तो इसमें लगातार श्रीमान जिलाधीश महोदय द्वारा विजिट भी किया जा रहा है, सभी विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, बीमा कंपनी सभी विजिट कर रहे हैं। और इसमें जिलाधीश महोदय के निर्देश हैं कि 31 तारीख जो है वो उसमें बीमा अभी करवा सकते हैं ऋणी कृषक, तो तत्काल करवा लें ताकि जो भी बीमा क्लेम है उसका लाभ भी उन कृषकों को मिल सके। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। उज्जैन जिला कलेक्टर ने घटिया तहसील के गांवों का दौरा किया था, जिसके बाद एसडीएम गोविंद दुबे ने बताया कि फसलों की वर्तमान स्थिति को देखते हुए हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कैंप तहसील के हर पंचायत स्तर पर इस प्रकार के कैंपों का आयोजन किया है, साथ ही सभी कृषकों को बीमा कराने की सलाह भी दी है। इस अवसर पर पाटीदार सचिव और कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित है। सबका दौरा हुआ था और साहब ने निर्देश दिए हैं कि सभी का कैंप लगाकर बीमा कराया जाए। तो एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, आज सीओ साहब ने भी सब मंत्री जीओ को अलर्ट कर दिए हैं और सब अपने अपने पंचायतों में बैठे हैं। और हमारे जो आ रही हैं उनको भी मैंने 15-15, 20-20 फार्म आवेदन मैंने उपलब्ध करवा दिए हैं, जो वहाँ उनको पंचायत स्तर पे मिलेंगे उनको। और प्रचार प्रसार पूरी तरह कर रहे हैं और कुछ जनप्रतिनिधि के माध्यम से भी कुछ प्रचार हम करवा रहे हैं, जैसे कि कोई ऋणी अऋणी बीमा से छूटे नहीं और उनको फसल बीमा का लाभ मिले। स्थिति को देखते हुए किसानों को सुविधा पहुंचाने के लिए सभी पंचायत स्तर पे ये हमने कैंप आयोजित किए हैं, जिसमें पटवारी एवं सचिव जो है मौके पर उपस्थित हैं और सभी कृषकों को जो है बीमा कराने के लिए जो है सलाह दे रहे हैं, उसके फॉर्म उपलब्ध हैं और उनका जो है पंजीयन उसमें कराया जा रहा है। अच्छा, कलेक्टर साहब का दौरा था कुछ विशेष? कलेक्टर साहब ने फसलों की स्थिति को लेके जो है दौरा किया है, मुआयना किया है एवं निर्देश दिए हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जो है बीमे का लाभ मिल सके, इसलिए सभी लोगों का जो है हमें बीमे में शामिल कराना है, उसी उद्देश्य को लेके जो है ये कैंप आयोजित किए गए। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट। उज्जैन जिले के महितपुर से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां दलित के शव को शमशान घाट पर नहीं जलाने दिया, जिसके बाद देर रात भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने पुलिस थाने का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन भी किया। पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर शमशान घाट के संचालक के खिलाफ हरिजन एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। आज जो यहाँ पर मैथुर में जो घटना मामला आया, जैसे मुझे पता चला है कि यहाँ पर मैथुर में एक दलित समाज भले समाज के व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो उनकी लाश को मतलब दाह संस्कार के लिए शमशान में ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर किसी ब्राह्मण समाज के दुबे व्यक्ति द्वारा उन्हें वहाँ से मना कर दिया, बोले यहाँ पर भलाई समाज की लाश को नहीं जलाने दिया जाएगा। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है, इसका बीमारी घोर विरोध करती है। और अभी यहाँ पर थाने पर आए हैं हम, बीमारी की पूरी टीम आई है, प्रभारी वगैरह सब आए हैं हम और हमने यहाँ पर प्रदर्शन किया, धरना दिया, उसके बाद यहाँ पर एफ आई आर दर्ज हुई है। और यदि आरोपी को पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करेगी तो बीमारी पर बहुत बड़ा आंदोलन करेगी। इंदौर में लगातार रिश्वतखोरों का खुलासा हो रहा है, जिसके तहत लोकायुक्त ने रंगे हाथों आरोपी को रिश्वत लेते हुए पकड़ा। जानकारी के अनुसार एमपीईबी के बंद पड़े ट्रांसफार्मर को शिफ्ट करने के लिए फरियाद से आरोपी ने 50,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद फरियादी ने मामले की शिकायत लोकायुक्त से की, जिसके बाद लोकायुक्त ने आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इंदौर से सरफराज खान की रिपोर्ट। हापुड़ जनपद के पिलखुआ में भाजपा के मंडल अध्यक्ष पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए की जमीनों को लाखों रुपए में लेकर अवैध तरीके से निर्माण करने का गंभीर आरोप लगा है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर भाजपा नेता और अन्य लोगों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। क्या पूरा मामला है बताइए। ये पूरा मामला ये है, ये गालंद गांव का बीजेपी का नेता मंडल अध्यक्ष नवीन तोमर, इसने खतरा नंबर 475 में फर्जी ज़मीन घेर रखी है, उसमें जिसमें कि कोई भी नक्शा पास नहीं है, उसे अवैध तरीके से ये बार बार उसके जो है उस पर कब्जा करता। आपने एप्लीकेशन दे रखी है? एप्लीकेशन हमने दे रखी है, हमने एप्लीकेशन जो है HPDA में दे रखी है और SDM साहब को एप्लीकेशन दे रखी है और थाने में भी एप्लीकेशन दे रखी है हमने, लेकिन इस पर उसके देने के बावजूद भी कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की? कोई कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका?
अनूप तोमर। क्या मामला है? मामला ये है गालंद मंडल अध्यक्ष नवीन तोमर भाजपा, जो एक भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, पूर्व में भी कई जमीनें हत्या चुका है और वर्तमान में 1 करोड़ रुपए की संपत्ति 4 लाख में घेर रहा है रिलायंस रोड पर, और प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की गई है। हमने DM साहब के यहाँ भी शिकायत की है और इसके खिलाफ 156(3) में CGM के यहाँ से कोर्ट में मुकदमा दर्ज है, FIR दर्ज है, उसके बावजूद भी लगातार निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो क्षेत्र का हल्का परिवार है, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन है? उनकी तरफ से कोई नहीं है, वो बार बार बोल देते हैं हमने रुकवा दिया है और फिर जाने के बाद फिर काम चालू हो जाता है। पिछले 20 दिनों से यही चल रहा है लगातार कंटिन्यू। हापुड़ से हरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इतना ही, बाकी हर खबर हर अपडेट के लिए बने रहे खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।